राजधानी लखनऊ के पक्का पुल के पास पतालपुरी में लेटे हुए हनुमान मंदिर में श्री राम दरबार, भगवान शिव परिवार और शनि देव की मूर्ति स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की गई। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा मूर्तियों को गोमती नदी में नौका विहार कराया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर विवेक टांगनी ने बताया कि मंदिर परिसर में 108 फुट ऊंचा ध्वजा भी लगाया गया है और जनता और सरकार से गोमती को प्रदूषण मुक्त कर आचमन योग्य बनाए जाने की अपील भी की। पतालपुरी हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर भगवान हनुमान जी का विग्रह बड़ा प्राचीन काल से लेटे हुए हनुमान जी के रूप में विद्यमान है। विश्राम विभोर हनुमान जी हैं यहाँ पर। यहाँ पर राम दरबार का विग्रह नहीं था, शिव परिवार का विग्रह प्राचीन और खंडित हो गया था, शनि भगवान का विग्रह नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पर भगवान श्री राम, शिव परिवार और शनि भगवान की मूर्तियों का विग्रह स्थापित करने के लिए चार दिन से विभिन्न प्राण प्रतिष्ठा की विभिन्न चल रही थी। आज विधि विधान से इन मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। इससे पूर्व हम लोगों ने आज जैसे नगर सनातन पद्धति में भगवान को नगर भ्रमण कराने का रहता था कि स्थापित आज बने नगर भ्रमण कराया जाए, तो आज हम लोगों ने गोमती नौका विहार कराया, भगवान को आज आदि गंगा माँ गोमती के दर्शन कराए। उनसे प्रार्थना करी कि इसको भी आचमन योग्य बने, आने वाली सरकारें इसके बारे में प्रयास करें। लखनऊ की जीवन रेखा है, तो भगवान को आज हम लोगों ने गोमती के दर्शन लेते हुए हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। मैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी, श्री हरिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम है, यह प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो यहाँ पर गोमती की बाढ़ में सन 1860 के करीब बह के आए थे, और जब बाढ़ खत्म हुई तो बाबा लेटे हुए विश्राम अवस्था में पाए गए। यहाँ के मौनी बाबा संत थे, तो उन्होंने उनको सीधा करने का प्रयास किया कि विग्रह को सीधा कर दिया जाए, परंतु कई प्रयासों के बाद भी बाबा नीचे ही जाते गए और वो सीधे नहीं हुए, तो इनको विश्राम विभोर व्यवस्था में ही स्थापित कर दिया गया। आज उसी स्थान को का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हुआ है गर्भगृह का, और नए विग्रहों की स्थापना भी पूजन जो 5 दिनों से चल रहा था, जिसमें राम दरबार, शिव परिवार और शनिदेव का स्थापना हुई है। आज उस स्थापना में हम लोग ने विग्रहों को जल विहार कराया है, जल भ्रमण कराया है, नौका विहार कराया है। एक संदेश है लखनऊ के वासियों के लिए कि माँ गोमती को कोई गंदा ना करे, क्योंकि ये दर्शनीय के साथ साथ पूजित भी हैं, क्योंकि ये आदि गंगा है। और सरकार को भी ये आग्रह है कि माँ गोमती की दशा जो दयनीय होती जा रही है, इसके ऊपर अवश्य ध्यान दें। और अभी यहाँ धर्म ध्वज आप देख रहे हैं, इसका स्थापना हुई है जो कि 108 फुट ऊँचा है, और इस धर्मध्वज के माध्यम से और इस मंदिर से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो युवाओं में और बच्चों में सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, और धर्मध्वज को देख के, दर्शन करके, परिक्रमा करके, धार्मिक स्थल पे आके हम लोग धार्मिक पर्यटन करके अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करें। वेरी गुड। चैनल देशभर न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।